बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा दवाइयों का होता है। हमारी टीम की एक सदस्य ने आमतौर पर काम आने वाली कुछ दवाइयों का एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिया। फिर उन्होंने ये दवाइयाँ बाजार में एक केमिस्ट की दुकान से खरीदी। कितना? 2151। और यही दवाइयाँ उन्होंने जेनेरिक मेडिसिन की दुकान से भी ली। कितना हुआ इसका? 354। दवाइयों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दिया। राजस्थान में कम कीमत में मिलने वाली इन जेनेरिक दवाइयों की शुरुआत की चित्तौड़ के पूर्व कलेक्टर डॉक्टर समित शर्मा ने। डॉक्टर समित, मुझे बताइए कि ये कैसा मुमकिन है कि हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट थी वो वही दवाइयां उन्होंने 2000 कीमत में उनको मिली एक दुकान में, और जो जेनेरिक मेडिसिन है उस दुकान में जब गई तो उनको कम में मिली, 300 में मिली, ये कैसे मुमकिन है? ठीक इसी समय प्रतिक्षण प्रतिपल एक ट्रेजेडी हमारे चारों ओर घट रही है। अर्थक्वेक की या सुनामी की बात करें, उसमें जितने लोगों की जाने एक दिन में जाती हैं उससे ज्यादा जाने प्रतिदिन इस ट्रेजेडी की वजह से जाती है। वो, जी वो क्या ट्रेजेडी है? वो ट्रेजेडी ये है साहब कि जो दवाइयों की जो वास्तविक कीमत है वो तो बहुत ही कम है, पर जो दवाइयाँ हम जब बाजार से खरीद के लाते हैं तो हमें वो 5 गुना 10 गुना 20 गुना कई बार तो 50 गुना से भी ज़्यादा दामों पर हम उसको खरीदते हैं। जैसे हम भारत में अगर देखें कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने लिए दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, तो क्या वो दवा को खरीद सकते हैं? बहुत सारे लोगों को इस वजह से दवाई नहीं मिलती। यस, WHO कहता है कि स्वतंत्रता के 65 वर्ष पश्चात आज भी 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लैक्स रेगुलर एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन। जो मेन दवाई है, जो आवश्यक दवाइयां हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती रकम की वजह से। मुझे बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन जो हम कहते हैं, अभी ये अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में कैसे समझाएं? मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। हाँ। तो ये जेनेरिक नाम जो दवा का जो मूल सॉल्ट है जिसके अंदर जो दवा है उसका नाम है, केमिकल नाम, उसका केमिकल नाम है। अब जैसे और उदाहरण अगर सरल करके बताएं इसको, तो जैसे ये लड़की दुबली पतली से नजर आती है, तो मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं इसको ये कहूँ एक गिलास दूध सुबह एक गिलास शाम को पिया कर। पर चिकित्सा के व्यवसाय में दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा। हम ये नहीं कहते कि आप भैंस का दूध लेके आइए, हम कहते हैं कि वो रामू की भैंस का दूध लेके आना, यही ब्रांडिंग है। ये जब उसकी दुकान पे जाती है वो कहता है 500 रुपए लीटर है, लेना है कि नहीं लेना? तो जो 30 रुपए की चीज है वो 500 रुपए में मिलती है। तो अगर मैं डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ और अगर मैं ब्रांडेड दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? जैसे एक 117 रुपए में भी है, 117 रुपए में मिलती है। और अगर वही चीज हम उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें तो वो कितने की बनती है? वो मात्र 1 रुपए 95 पैसे में 10 गोली मिलती है। और दोनों गोलियों में कोई फर्क नहीं है किसी किस्म का? 100% समान, क्योंकि इसकी उत्पादन लागत ही इतनी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट रिटेल जो उसके मार्जिन जो है जो हमारे ज्यादा सब मिला करके उतने की ही पड़ती है। कुछ कैंसर के मैं आपको उदाहरण दूंगा, उसमें एक ही दवा जो ब्लड कैंसर के काम में आती है जी, बाजार में 1.25 लाख रुपए का एक पैकेट मिलता है। 1.25 लाख का एक पैकेट जो एक महीने चलता है। और जेनरिक में वही दवा, जेनरिक में अलग अलग कंपनीज जो बनाती हैं, एक 10,200 में बेचती है, एक 8,800 में बेचती है और एक 6,500 में बेचती है। मतलब ये आपका ये कहना है कि आपके ये प्रयास से इतने कम में राजस्थान में पब्लिक को आवाम को ये दवाएं पहुंचा रहे हैं आप इस वक्त? जी, क्या बात है। मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पर्ची पर जी जेनेरिक नाम क्यों नहीं लिख के देते, क्यों लिखते हैं वो ब्रांडेड? जाने नहीं देंगे बाहर फिर? नहीं नहीं, सब जाने देंगे। जब एक नया नया मेडिकल प्रैक्टिशनर जब प्रैक्टिस शुरू करता है तो उसके पास जो कंपनी के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सेल्स बढ़ाने का उनका काम होता है, मार्केटिंग के हिसाब सेल्स एजेंट होते हैं बेसिकली। फिर वो कहते हैं साहब आप हमारी जो दवा है यही लिखना, ये बहुत बेहतर दवा है, इससे मरीज ठीक होगा। और उनको डॉक्टर्स को लिखने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको टेम्प्ट किया जाता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा कारण है जो दवा की कीमत को उसकी वास्तविक कीमत से 5-10 गुना 20 गुना तक बढ़ा देता है। एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे पास जब हम टेंडर करते हैं तो बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं, जो भारत की जो सबसे बेहतर कंपनियां जिसके भी नाम वो रेपुटेड कंपनियां जिनके नाम आप ले सकते हैं, वो सभी हमें वो उसको जो 70 रुपए की है उसको 2 रुपए में 5 रुपए में दे रही है, 30 रुपए की दवा 2 रुपए में दे रही है। इतना ज्यादा फर्क तो कंपनी तो दे सकती है और देना चाहती है और हमें देती भी है, इतनी कम दामों में हमें दे रही है ना, ये संभव तो है। अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि भारत से हम लगभग
45,000 करोड़ रुपए की जेनरिक दवाइयां प्रतिवर्ष विदेशों को निर्यात करते हैं। आप भेजते हैं दुनिया भर में जेनरिक, ये जो सस्ती दवाएं हैं आप विश्व भर में भेजते हैं, विश्व भर में हमारे लोगों को नहीं मिल, हमारे देश में महंगी है, हमारे देश में महंगी है। और अगर ऐसा है तो हमें कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत नहीं, हम वापस उसी दिशा में जा रहे हैं। आपने जब ये शुरू किया तो आपको कोई रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा राजस्थान में? देखिए, जो प्रयास हम कर रहे हैं ये बेसिकली धारा के विपरीत बहने का एक प्रयास है जी। काफी थ्रेट्स भी हैं क्योंकि इसमें माफियाज भी हैं, ड्रग माफियाज जो ऑपरेट करते हैं। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हम 100 साल से भी पुरानी शोषण की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, पर हमने हमेशा डॉक्टर्स को दोषी नहीं माना जी, जी। सारे डॉक्टर्स बुरे नहीं है, 50-60% तो जेनुइनली वो चाहेंगे कि गरीबों को, गरीबों को फायदा कम कीमत पे दवा मिल जाए, वो चाहेंगे। और आज भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने घर से सैंपल्स ला करके अपने जेब से पैसे निकाल के मरीज का इलाज कराते हैं, ऐसे डॉक्टर्स आज भी हैं। बिल्कुल सही। तो मैं उनको एक उदाहरण भी बताता हूँ कि कैसे हमारे जो काम वाली थी उसका बच्चा था छोटा, इंसिडेंटली हम कुछ समय छुट्टी मनाने कोई बाहर गए, जब हम लौट के आए 10-12 दिन बाद, तो वो लक्ष्मी के साथ उसका छोटा जो बेटा था राजू, वो भी उसके साथ आता था जब, और मेरे बच्चों के साथ खेलता था, मेरी बेटी के साथ खेलता था, तो वो लक्ष्मी अकेली ही आई, राजू नहीं आया। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जो बात बताई कि साहब वो उसको आप गए थे उल्टी दस्त हो गया था, उल्टी दस्त की बीमारी के लिए वो जब दवा लेने गई तो केमिस्ट ने उसको कहा कि इसके तो 400 रुपये लगेंगे। तो उसने कहा साहब मैंने खूब मांगा, मेरे पास 400 रुपये मुझे नहीं थे, और मेरा बच्चा रात को ही उसको दस्त आते रहे, वो ख़त्म हो गया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो जो दवा लिखी थी कि वास्तव कीमत 150 रुपये ही है, तो वो बच्चे की जान बच सकती थी। 65 वर्ष के बाद भी अगर कोई बच्चा उल्टी दस्त से मर जाए तो मैं नहीं समझता इससे शर्मनाक बात कोई हम लोगों के लिए हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इसे आसानी से बदला जा सकता है, हमें सबको एक समन्वित, एक संगठित प्रयास करने की जरूरत है। ये तो कुछ भी नहीं है, कोई नई फैक्ट्री खोलनी नहीं, कोई नई दवा नहीं बनानी, ये